हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे आम का छुंदा बनाऊंगी। और ये आम हमने अच्छे से धो के सुखा लिए हैं, पोंछ लिए हैं, और इसको हम कट करके छील लेंगे छिलनी से। और आम का छुंदा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप जैम से भी बोल सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाता है इस तरीके से अगर बनाएंगे। अभी आम में जाली भी नहीं पड़ी है तो पूरा इसका गूद निकल जाएगा। ऐसे सारे आमों को हमें छील लेना है, अभी बहुत बड़े भी नहीं हुए हैं और आ भी अच्छे आम रहे हैं। ऐसे सारे आमों को छीलना है। और सारे आमों को हमने छील लिया है और अब हमने एक कांच का बर्तन ले लिया है और ग्रेटर के हेल्प से इसको ग्रेट कर लेंगे। ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लच्छे लच्छे और मैं बड़ी साइड से कर रही हूँ क्योंकि ताकि छुंदा है तो इसके लच्छे दिखना भी चाहिए थोड़ा। अगर उधर छोटे वाले से करेंगे तो उतना छोटे छोटे हो जाएंगे, ऐसे खूब बड़े बड़े लच्छे रहेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए, सारे आमों को हमने ग्रेट कर लिया है और एक कटोरी चीनी हमने ली है। आधा किलो आम में 200 ग्राम हमने चीनी डाली है और गुड़ भी डालूंगी, आधी चीनी आधा गुड़। इससे खाने में भी टेस्टी लगेगा और कलर भी अच्छा आता है गुड़ से, और गुड़ तो वैसे भी फ़ायदेमंद है। और इसको मिक्स करके रख देंगे एक दो घंटे के लिए ताकि ये चीनी पिघल जाएगी। और इधर देखिए, गुड़ हमने ले लिया है और गुड़ को ऐसे नाइफ के हेल्प से ऐसे कट कर लेंगे ताकि घुलने में आसानी रहेगी। वैसे थोड़ा समय लगेगा, बड़े बड़े हैं लड्डू। ऐसे ही सारा गुड़ हम कट कर लेंगे, बहुत आसानी से कट हो जाता है। आप चाहें तो फोड़ के भी डाल सकते हैं। देखिए, सारा गुड़, जितना हमने चीनी ली थी उसी कटोरी से हमने गुड़ लिया है आधा आधा। और ऐसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है और आप साल भर के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आम ही धुला है, पहले छील के बाद में नहीं धुला है। पानी का लगेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना पानी छोड़ दिया है, चीनी घुल चुकी है। और चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में डाल देंगे इसको, इसमें ना तेल की ज़रूरत है ना घी की, बहुत आसानी से बन जाता है। और इसको ऐसे हमें मिक्स करना है। चीनी तो बिल्कुल नहीं अब है इसमें, घुल चुकी है। और अब हम इसको एक लीड से कवर कर देंगे कुछ देर के लिए। अब यहाँ पे 4-5 मिनट हो गया है, देख लेते हैं। और जो हमने गुड़ कट करके रखा था उसको डाल देते हैं, इससे इसमें कलर भी अच्छा आएगा और फायदेमंद तो होता ही है गुड़। ऐसे घुलने में भी आसानी रहेगी और गर्म में तो वैसे भी जल्दी घुलता है। ये आम का छुंदा खाने में बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा, अचार से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको फिर से मैंने लीड से कवर किया है और यहाँ पे देखिए 5-6 मिनट हो गया है, ये दोनों चीज़ें एकदम मिक्स हो गई हैं। और जो भी अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा मैं स्पून से इसे मिक्स कर दूँगी। और स्वाद अनुसार नमक, आप यहाँ पे काला नमक भी ले सकते हैं, उससे और टेस्ट अच्छा आएगा। नमक मीठे को बैलेंस कर देता है, खाने में और अच्छा लगता है। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और हमें पकाना तब तक है जब तक इसमें एक तार की चाशनी ना बनने लगे। अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है, फिर से मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ पे फिर से 4-5 मिनट हो गया है,
और एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच फिर से मैंने हल्दी पाउडर डाला है और बहुत मसाले नहीं डालेंगे। हींग डाल दी है, हींग से ख़राब नहीं होगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। और देखिए ये बन चुका है और हींग हमने डाला है दो चुटकी। और अब हम चाशनी देख लेते हैं एक तार की। देखिए तार बन रहा है, इतना ही हमको पकाना है। ये बन चुकी है, मैंने नीचे उतार लिया है। ये जब ठंडा हो जाएगा किसी कांच के जार में भर के रख लीजिए और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। पूड़ी पराठा रोटी जैसे भी खाना हो खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच से, बिल्कुल हलवा जैसा लगता है। जेम्स लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।